हेलो दोस्तों, डीजे बजना चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आहूजा LX4500 वर्सेस स्टेंजर 4K पे बनाए हैं। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को आहूजा का 4500 वाट और स्टेंजर का 4K दोनों मशीन के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर बाहर कौन सा और कैसा कैसा पार्ट्स लगा हुआ है और ये कितना पावर देता है, इसका प्राइस कितना है, बाकी सारी जानकारियाँ इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए चलिए आपको एक छोटा सा रिव्यू दिखा देते हैं दोनों मशीन का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यह आहूजा का एम्पलीफायर है LX4500। यह डुअल चैनल पावर एम्पलीफायर है। यह इसका बैक पैनल है। इसमें दो फैन दिया हुआ है जो हीट होने पर ही घूमता है। आहूजा का ये एम्पलीफायर अंदर से इस तरह का दिखता है। काफ़ी हाई क्वालिटी का ये एम्पलीफायर है। बहुत ही अच्छी तरह से बना हुआ है ये एम्पलीफायर। अंदर का सामान बहुत ही हाई क्वालिटी का है। ये बहुत मजबूत एम्पलीफायर है। ये एम्पलीफायर 2 ओम में 2250 वाट पर चैनल देता है। इस मशीन का ट्रांसफार्मर बहुत हाई पावर का दिया हुआ है। इसमें हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज दोनों पावर सप्लाई दिया हुआ है। हाई वोल्टेज में 98.0 98 और लो वोल्टेज में 48.0 48 दिया हुआ है। ये इसका पावर सप्लाई है। ये फिल्टर बोर्ड है। आगे तरफ वॉल्यूम नॉब और इंडिकेटर सब लगा हुआ है। ये चैनल ए है, ये चैनल बी का जोन है। स्टेंजर 4K का रिव्यू देखेंगे। फ्रंट पैनल से कुछ इस तरह दिखता है। इसका ये बैक पैनल है। इसमें दो पावर फैन लगा हुआ है दो तरफ। जैक और XLR से इनपुट दे सकते हैं, स्पीकर से आउटपुट ले सकते हैं और टर्मिनल भी दिया है स्पीकर आउट के लिए। अंदर से इस तरह दिखता है स्टेंजर 4K, जो काफ़ी हैवी दिखता है। ये इसका ड्राइवर बोर्ड है दोनों जोन का। ये फ्रंट पैनल बोर्ड है जिसमें वॉल्यूम नॉब वगैरह लगा रहता है। स्टेंजर 4K बहुत ही अच्छा होता है रफ एंड टफ यूज के लिए। इसका ट्रांसफार्मर बहुत ही हैवी है, बहुत ही वजनदार। दोस्तों रिव्यू से आप लोगों को पता चल चुका होगा कि दोनों मशीन के अंदर और बाहर में कौन सा और कैसा कैसा पार्ट्स लगा हुआ है, दोनों की बनावट अंदर से किस तरह है और कितना धाकड़ ये दोनों मशीन है। अब इन दोनों मशीन की प्राइस की बात कर लेते हैं। अगर आहूजा LX4500 की प्राइस की बात करें तो दोस्तों हमारे एरिया में अप्रोक्स आहूजा LX4500 का प्राइस 46,000 के आसपास मिल जाएगा दोस्तों। और अगर स्टेंजर 4K एम्पलीफायर की प्राइस की बात करें तो दोस्तों ये अप्रोक्स हमारे एरिए में 36,000 के आसपास मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों दोनों ही मशीन धाकड़ है, लेकिन दोनों ही मशीन में प्राइस का बहुत ही ज़्यादा अंतर है। करीबन 10,000 के आसपास प्राइस का अंतर है दोस्तों। दोस्तों पावर की बात करें तो पावर में कुछ खास ज़्यादा अंतर है नहीं दोस्तों। आहूजा LX4500 ये 4500 वाट का एम्पलीफायर है दोस्तों। ये 2 ओम लोड पर 2250 वाट पर चैनल देता है दोस्तों। वहीं दूसरी ओर स्टेंजर
4K की बात करें तो ये 4000 वाट का एम्पलीफायर है दोस्तों। ये 2 ओम लोड पर चैनल 2000 वाट आउटपुट देता है दोस्तों। अगर क्लास की बात करें तो दोस्तों एम्पलीफायर बहुत सारे क्लास में आते हैं, जैसे ए क्लास, ए बी क्लास, डी क्लास, एच क्लास, ऐसे सारे क्लास में बहुत सारे एम्पलीफायर आते हैं दोस्तों। इनमें से आवजा और स्टेंजर की बात करें तो आवजा दोस्तों एच क्लास में आता है। आवजा एलेक्से 4500 दोस्तों एच क्लास में आता है दोस्तों। एच क्लास यानी इसमें 2 या 3 पावर सप्लाई का यूज किया जाता है। इसमें आवजा एलेक्से 4500 में दोस्तों 2 पावर सप्लाई का यूज किया हुआ है, एक 48048 और दूसरा 98098 यूज किया हुआ है दोस्तों। जब एम्पलीफायर को ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ता है तब वो 48048 से शिफ्ट होकर 98098 का पावर सप्लाई यूज होता है दोस्तों, जिससे बेस में पंच और वाइब्रेशन बहुत ही धाकड़ आता है दोस्तों। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें तो स्टेंजर दोस्तों ए बी क्लास में आता है। इसमें दोस्तों सिंगल पावर सप्लाई यूज हुआ है जो कि 85085 है। इससे दोस्तों इसकी पावर कैपेसिटी कम नहीं हो जाती है, यह भी मशीन बहुत ही धाकड़ बजता है दोस्तों। दोस्तों अगर यूज की बात करें तो दोनों मशीन को यूज करना बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है दोस्तों। दोनों मशीन बहुत ही खतरनाक और ज़बरदस्त परफॉर्म करती है दोस्तों। इन दोनों में से आवजा एलेक्से 4500 ज़्यादातर दोस्तों प्रोग्राम सेटअप में यूज होता है, यानी लाइव डीजे में यूज होता है दोस्तों। क्योंकि आवजा एम्पलीफायर में दोस्तों मीट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही शानदार होती है। इसकी मीट की क्वालिटी में बहुत ही ज़्यादा मिठास होती है। सभी डीजे भाई लोग आवजा एलेक्से 4500 का एम्पलीफायर दोस्तों लाइव प्रोग्राम यानी लाइव डीजे में ही यूज करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये डीजे में यूज नहीं होता है दोस्तों, डीजे में भी ये मशीन बहुत ही खतरनाक परफॉर्म करती है दोस्तों। दोस्तों इन दोनों में से आवजा एलेक्से 4500 ज़्यादातर दोस्तों प्रोग्राम सेटअप में यूज होता है, यानी लाइव डीजे में यूज होता है दोस्तों। वहीं दूसरी ओर स्टेंजर 4K की बात करें तो ये ज़्यादातर दोस्तों डीजे में ही यूज होता है। बड़े बड़े डीजे भाई लोग ज़्यादातर स्टेंजर 4K को डीजे में ही यूज करते हैं, लाइव प्रोग्राम में यूज नहीं के बराबर करते हैं दोस्तों। फिल्टर की बात करें तो बहुत सारे एम्पलीफायर में अलग अलग तरह के फिल्टर आते हैं, यानी फीचर्स, फंक्शन या क्रॉसओवर टाइप का कुछ फिल्टर वगैरह देते हैं हर ब्रांड के कंपनी अपने अपने एम्पलीफायर में। तो दोस्तों इसमें आहूजा एलेक्से 4500 की बात करें तो इसमें दोस्तों बैक पैनल में लो पास फिल्टर दिया हुआ है दोस्तों। इसमें अगर आप इसे यूज करते हैं तो ये हाई फ्रिक्वेंसी और मिड फ्रिक्वेंसी को कट ऑफ करके सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी को पास करता है, यानी आप इस एम्पलीफायर को इस फीचर का यूज करके बेस बजा सकते हैं दोस्तों, सिर्फ सबवूफर की तरह बेस यूज कर सकते हैं दोस्तों। वहीं अगर स्टेंजर 4K की बात करें तो दोस्तों इस एम्पलीफायर में बैक पैनल में किसी प्रकार का फ्यूचर या क्रॉसओवर फिल्टर वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं है। वीडियो में देख ही सकते दोस्तों इसके बैक पैनल में कुछ इस तरह का फीचर नहीं दिया हुआ है। ब्रिज मोड की बात करें तो दोस्तों यानी डुअल चैनल एम्पलीफायर का दोनों जोन आपस में जोड़कर एक चैनल यानी एक जोन बना के यूज किया जाता है, उसको ब्रिज मोड कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं आहूजा एलेक्से 4500 में दोस्तों ब्रिज मोड का ऑप्शन है। इसके बैक पैनल में ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों लाल घेरे में जो कि स्पीकर टर्मिनल है उसमें बी चैनल का माइनस है और ए चैनल का प्लस टर्मिनल है दोस्तों। यहीं अगर स्टेंजर 4K की बात करें तो दोस्तों इसके बैक पैनल में ऐसा कुछ ब्रिज मोड का ऑप्शन नहीं है, इसके कोई भी टर्मिनल को आपस में जोड़ के एक चैनल नहीं बना सकते दोस्तों। दोस्तों जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।